हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जो हमने बचपन से शायद उसको गलत ही लिया है, गलत ही सुना है। आई एम टॉकिंग अबाउट डेयरी। हमको बचपन से बताया है डेयरी में काफी कैल्शियम होता है, प्रोटीन्स होता है, गाय का दूध हमारी माँ का दूध है और गाय हमारी माँ जैसी है। वेल, ये सब कुछ झूठ है। मैं आपको ऐसी हकीकत बताऊंगी जो शायद कोई भी डेयरी इंडस्ट्री आपको बताना नहीं चाहती। आपको पता है डेयरी इज सो क्रूल। डेयरी इज ऑलमोस्ट लाइक बीफ। यस, मांस की तरह है डेयरी। आप अपने आप को वेजिटेरियन या कंपैशनेट नहीं बता सकते अगर आप डेयरी कंज्यूम करते हैं। वेल, काफी लोग कंफ्यूज है, डेयरी में ऐसा क्या पाप है? हम लोग गाय का कत्ल तो नहीं कर रहे हैं, हम उसको मार तो नहीं रहे, तो फिर क्यों बुरा है? वेल, आपको पता है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। कैसे, क्या आपने कभी सोचा है? इसको सप्लाई करने वाला कौन है? इसको सप्लाई करने वाला डेयरी है। ये सारी चीजें जो आपके घर में आती है, दूध, घी, पनीर, आइसक्रीम, हर वो चीज जो दूध से बनती है वो एक पाप है। वो एक मां की तड़प से, मां की चीख से और मां के दर्द से आती है। आपको पता है डेयरी इतनी बड़ी मनी मेकिंग इंडस्ट्री है, कितना बड़ा पैसा लगा हुआ है इसमें, इतनी सारी चीजें मिलती है डेयरी की, आप सोच भी नहीं सकते, हजार से ज्यादा प्रोडक्ट्स। कैसे करते हैं ये? और गायें कितनी? आपको लगता है गायों को एक्स्ट्रा मिल्क आता है? नहीं, कोई माँ को एक्स्ट्रा मिल्क नहीं आता। वेल, एक्स्ट्रा मिल्क अगर आप बोलेंगे तो वो है बच्चे के लिए, नॉट एक्स्ट्रा मिल्क द वे वी ह्यूमंस कंज्यूम। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर इंसान के भी बच्चे को भूख लगती है तो वो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद हर बार दूध पीता है, पर अगर गाय के बच्चे को दूध की जरूरत पड़े 5 घंटे बाद वो क्या करेगा? वेल, गाय का तो पूरा दूध निचोड़ चुके हैं, कहां से पिएगा वो? और उस पर भी, आपने कभी देखा है एक माँ और एक बच्चे को साथ में बांध कर रखे हुए? आपने कोई भी फार्म में ये नहीं देखा होगा। क्यों पता है? क्योंकि जब भी जो भी बच्चे को भूख लगती है वो उसका सारा दूध पी जाता है, isn't it? और कोई भी फार्म वाले लोग उनको साथ में नहीं रख सकते बिकॉज वो माँ का सारा दूध पी जाते हैं। जैसे इंसानों की माँ को दूध आता है 1 से 2 साल तक, 3 साल तक, वैसे ही गायों को दूध आता है 10 से 12 महीने तक। तो जब दूध बंद हो जाता है उसके बाद क्या होता है? क्या ये डेयरी इंडस्ट्री भी बंद हो जाती है? नहीं, वो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा बिजनेस चाहती हैं। तो वो क्या करते हैं? वो हर साल माँ को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करते हैं। और वो कैसे? उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ये बहुत ही पीड़ाजनक और बहुत ही पेनफुल होता है। वेल, ये उनके साथ तब तक होता है जब तक वो अपनी बॉडी से गिव अप नहीं कर देते, और इसीलिए उनकी लाइफ स्पैन जो है वो 5 से 6 साल तक रह जाती है, जबकि उनकी ओरिजिनल लाइफ स्पैन होती है 25 to 26 years। उसके बावजूद भी पूरी जिंदगी उनको बांध कर रखा जाता है, उनको इतनी गंदी जगहों पे रखा जाता है। क्या आप उस जगह पे होते तो क्या आप ये सब कर पाते? आप ये सब बैठ पाते? किस हिसाब से हम बोलते हैं गाय हमारी माता है? वेल, अपने ही बच्चे को अपने से दूर जाते हुए देख, उसका कत्ल होते हुए देख, कौन मां रह सकती है? पता है आपको, जैसे ही गाय बच्चा देती है उसमें मेल या फीमेल होता है, और जैसे ही मेल बच्चा पैदा होता है वो डेयरी इंडस्ट्री के कोई काम का नहीं है, और उसको उसी वक्त जैसे ही पैदा होने के बाद उसको सीधा कत्ल खाने भेजा जाता है, और वो भी माँ के सामने। सोचिए उस माँ की तड़प क्या होगी। और ये सारी चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे दूध के लिए। आज के टाइम पे जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो सारी मशीन यूज करती है। वो मशीन इतना ज्यादा पेनफुल होता है, वो मशीन से कितने वूंड्स होते हैं, कितना पस निकलता है, इट्स हाईली हाईली पेनफुल। और वो मशीन गाय के अंदर से हर एक लास्ट कतरा दूध निकाल देता है। सोचिए उस गाय पे क्या बीतती होगी, और सोचिए क्या उस बच्चे को मिलता होगा। सो दैट वे, आपको पता है डेयरी ही एक वजह है जिसकी वजह से इंडिया आज एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का। सो बीफ एंड डेयरी इज जस्ट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन।
तो आप अगर डेयरी सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बीफ भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। सो अब इतना सब जानने के बाद अब आप ये तो मानते होंगे कि दूध कितना गलत है, हम कितनी गलत इंडस्ट्री को इतने सालों से सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी इसे बदलने के लिए क्या किया जाए? वेल, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे ही आप छोटा सा शिफ्ट लाकर आप कितनी लाखों गायों को बचा सकते हैं। वेल, आपको सिर्फ क्या करना है, दूध की जगह आपको सोया मिल्क यूज करना है, और न जाने कितने और टाइप के मिल्क है अवेलेबल मार्केट में। आपको पनीर की जगह टोफू यूज करना है, आपको दही की जगह पीनट दही यूज करना है, सिंपल। और इन सब चीज छोटे छोटे शिफ्ट से आप कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। प्लीज क्रिएट द डिमांड ऑफ नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स, और डेयरी की डिमांड को खत्म कीजिए। और एक चीज, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हेल्थ और एनवायरनमेंट में कितना आप डिफरेंस ला सकते हैं सिर्फ डेयरी बंद करने से। और अहिंसा के बारे में जो लोग आजकल बातें कर रहे हैं, तो अहिंसा दूध इतना गलत क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी।